रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले और आरपीआई के अल्पसंख्यक सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शकील सैफी ने मुस्लिमों और दलितों के मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की। अल्पसंख्यकों से जुड़े कई मामलों पर इस मुलाकात में चर्चा की गई। शकील सैफी ने मुलाकात के बाद सीएम योगी और केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की। जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो मैं आशा करता हूँ आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से भी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी, और जैसा प्रधानमंत्री जी ने 5 करोड़ रुपया अल्पसंख्यकों के हित के लिए अपने राहत कोष से दिया है, मैं उसके लिए भी उनका धन्यवाद करता हूं। और तमाम मुस्लिम समुदाय से अपील करता हूं कि हमने 70 साल एक सरकार पर विश्वास किया, 5 साल मोदी जी पर विश्वास करके देखें, हो सकता है इस देश का चेहरा और ज़्यादा बदल जाए। मुसलमानों को आने की ज़रूरत है साथ में। हम आपको बता दें कि साल 2013-14 में मनमोहन सरकार ने करीब 3511 करोड़ रुपए अल्पसंख्यक विभाग को दिए थे, और साल 2014 के बाद जब से मोदी सरकार आई है तब से हर साल इस रकम को बढ़ाया गया है, और आज यह बढ़कर करीब 4700 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है, जो बीजेपी के सबका साथ सबका विकास नारे पर पूरी तरह मोहर लगाती नजर आती है। न्यूज़ फोल्डर, ब्यूरो रिपोर्ट।